नारायण साकार विश्व हरि के वकील द्वारा दिया गया बड़ा बयान। नेकर वालों ने दिया था घटना को अंजाम, जहरीला स्प्रे लेकर आए थे साथ में। नारायण साकार विश्व हरि के वकील पहुंचे जिला जेल, जेल में बंद आरोपियों से की मुलाकात। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया यह एक साजिश थी। सत्संग कार्यक्रम में कुछ लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे। साजिश करने वालों ने जहरीला स्प्रे महिलाओं में छिड़का, जिससे भगदड़ मच गई। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, उसमें 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। कुछ को हमने SIT के सामने समर्पण किया था, उन्हें जैसे मधुकर को जेल वहाँ नजफगढ़ में इलाज करा रहा था उसको वहाँ से सौंपा था। वो सभी है जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा गया था और SIT ने इनसे पूछताछ कर ली। अब इन्हें न्यायालय में पेश करके यहाँ भेजा गया, उन सबसे मुलाकात की। 2 महिलाएं महिला जेल में थी, 9 पुरुष इस जेल में थे। सबसे बात हो गई अच्छी तरह से। वो रह तो ठीक रहे, यहाँ कोई मानव अधिकारों की हनन जैसी कोई बात नहीं है। सुविधाएं हैं, बीमार हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनमें से, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रक्रिया है जेल की वो सारी, उसमें उन्होंने भी वही चीज़ें बताई हैं जो इस घटना में हुई थी, जो मुझे इंजर्ड ने बताई थी जब मैं हाथरस अलीगढ़ एटा और मैनपुरी हॉस्पिटल गया था, जो उन्होंने तब बताया वही ये बोलो। क्योंकि ये भी आई विटनेस थे, एक को छोड़कर एक व्यक्ति उसमें था ही नहीं, यहाँ उस दिन था ही नहीं, एक व्यक्ति उसमें था नहीं, वो अनंत था, उसकी अलग प्रोसीडिंग करूँगा मैं। लेकिन 10 लोग जो थे उन्होंने यही बात बताई कि 15-16 लोग जहरीला स्प्रे लेके ऐसे करते हुए भगदड़ की भागे और वो उनकी गाड़ियाँ एटा की तरफ काली सफ़ेद स्कॉर्पियो बुलेरो थी उसमें लेकर के भाग गए, चले गए सबको बिठाल के, और ये घटना हुई उसमें। और उससे पहले 30 से 35 मिनट पहले नारायण साकार हरि जी वहाँ से जा चुके थे। साजिश थी, षड्यंत्र था, जिस साजिश और षड्यंत्र को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, और जिस षड्यंत्र के बारे में नारायण साकार हरि जी को जब पता चला, जब लोगों ने उन्हें बताया सेवादारों, तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, और मैं शुरू से ही इसको षड्यंत्र के रूप में बता रहा हूँ, आपके सामने सब कुछ पता चल रहा है। जो मौतें हुई थी वो जहरीली जो पदार्थ थी वैसे हुई थी जी, वो पहले कभी बात निकल के नहीं आई, अभी बात निकल के आ रही है? नहीं अभी नहीं, आप अपडेट करिएगा। 3 तारीख को जो स्टेटमेंट है हमारा उसमें भी है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा साजिश, वो साजिश सनातन धर्म को बदनाम करने की भी थी, वो साजिश नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को भी बदनाम करने की थी, वो साजिश सनात और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उसमें साजिश थी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम किया जाए, और वो साजिश राजनीतिक दलों की भी हो सकती है जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्वक कहूँ तो यही अलीगढ़ की जेल है जहाँ आपको भी याद है, आप बहुत मीडिया के प्रबुद्ध लोग, हाथरस रेप प्रकरण भी हुआ था उस समय भी, इसी तरह की साजिश रच करके जिनका ट्रायल भी हमने किया और जिसमें एक्यूटल हुए, यहीं से मुलजिम एक्यूटल हुए CBI केस की, उस समय भी राजनीतिक दलों ने हाथरस बुलगड़ी में भी अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया था और सब दौड़े दौड़े इसमें भी राजनीति कर रहा है। क्या को बचाने की साजिश हो? वो पूरी तरह से निर्दोष है, उनका कोई इस केस से लेन देन नहीं है। वो 30 से 35 मिनट पहले समापन करके जहाँ ये साजिश रची गई थी उस पंडाल से जा चुके थे, और पंडाल में बीच में नेशनल हाईवे है, एक रास्ता अलीगढ़ के लिए जाता है और एक रास्ता एटा के लिए जाता है, टूवर्ड्स एटा एंड अलीगढ़। जिस तरफ एटा की तरफ जाते हैं उससे लेफ्ट साइड में, जो अलीगढ़ के लिए आते हैं उससे लेफ्ट राइट साइड में पंडाल था, और लेफ्ट साइड में घटना हुई हाईवे के लेफ्ट साइड में, जो अलीगढ़ से उसके बाद भगदड़, उसकी वजह से कुछ बेहोश हुए। उसके बाद राज्यपाल ने पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा है कि बाबा के चक्करों में ना पड़े, क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शबनम सलीम वाले प्रकरण में राहत भी दी थी, और जो फांसी की हम उनके यहाँ से करा के लाए थे, बहुत सम्माननीय है, मान्य है। मैं भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा कारण नहीं है जो किसी के उससे बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर सही हो जाए, TB ये कभी नहीं सही होता है, ये इलाज से सही होता है, औषध। नारायण साकार हरि जी ने कभी नहीं कहा अंधविश्वास, वहाँ मानवता भाईचारा
फलाई सत्य का साथ ये है बच्चा। वो चरणों की धूल लेने के लिए कहते हैं। नारायण साकार हरि के यहाँ पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है, पैर भी वहाँ छुए नहीं जाते। वो इकलौते इस दुनिया के ऐसे महान संत कहें, नारायण साकार हरि कहें, कुछ भी कहें, बाबा तो वो है नहीं, कहते नहीं उन्हें कोई। मैंने सुना नहीं मीडिया के अलावा, मीडिया के अलावा। पानी पानी वाली जो बात कह रहे हैं चरण रज का, देखिए अब चरण रज की बात करें आप, उनका पंडाल में पीछे से पहुंचे एटा की तरफ से बैरिगेट से, आप तो ने जीरो ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग की आप सब पत्र, पीछे पहुंचे वहां कारपेट बची हुई थी, कारपेट से ऊपर चढ़ के गए, मंच पर गए, अपने ब्रह्मवाणी दी, उसके बाद नीचे उतर के चले आए। सैंडल या जूते वो पहने रहते हैं जुराबों के साथ साथ, कारपेट पे चलकर कारपेट पे गाड़ी खड़ी होती है, कारपेट से गाड़ी से चले गए, वहाँ चरणरज की तो बात ही नहीं होती है। तो हाईवे है वहाँ तारकोल का बना हुआ है, ये जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हैं। रिपोर्ट अभी मेरे पास पूरी मिली नहीं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पास ज्यादा जल्दी चीजें पहुंच जाती हैं, मुझे जब मिलेगी मैं पूरी तरह से उसको देखूंगा। तो बाबा को क्या वीआईपी प्रोटोकॉल लेना चाहिए? वैसे संतों को वीआईपी प्रोटोकॉल ही क्या, वो तो बड़े लंबे काफिले में चलने वाले बाबा हैं। नहीं नहीं, कभी लंबे काफिले में नहीं चलते, उनके पास ना कोई गाड़ी है ना कोई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर एपी सिंह को तो आपने जीवन में समझा है ना, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और देश के टॉप लॉयर्स में सबसे हाई प्रोफाइल केसेस करने में हूं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके नाम कोई आश्रम नहीं है, उन्हें वीआरएस की जो यूपी पुलिस की पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं, कहीं किसी का भोजन करते नहीं, कहीं कहीं होटल रेस्टोरेंट और किसी के निवास पे रहते नहीं, आश्रम में रहते हैं। आश्रम का व्यवस्था आयोजन समिति आयोजन की कमेटियां करती हैं। आश्रम कहां से आ गए जब बाबा के पास नहीं है तो? मैं 25 आश्रम आपके चैनल को दान करता हूं केवल नारायण साकार हरि का एडवोकेट होने के नाते, अगर उनके नाम कोई हो, आपका चैनल देशभक्त है और आपके चैनल को दान करता हूं। उनके नाम कोई आश्रम आयोजन समिति है, आयोजन समिति अपना कलेक्शन करके आश्रम बनाती है, उसमें किसी के तन सेवा है, किसी की मन